कोई भी वीडियो डाउनलोड करने के लिए फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, तो क्या करेंगे? जैसे मान लो कोई वीडियो है, अब जैसे मान लो ये वीडियो है, क्या करेंगे? इस पर क्लिक करेंगे, इसकी लिंक कॉपी करेंगे, उसके बाद से एक ऐप आती है स्नैपट्यूब करके, ये रही एप्लीकेशन स्नैपट्यूब, ये रही, इस पर जाना है। ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, इसकी इसका वर्जन आप लोग क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, उस लिंक को हमने कॉपी किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे, उसके बाद से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, यहाँ पे है ना, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा आपको वॉइस में डाउनलोड करना है, डाउनलोड विद म्यूज़िक और वीडियो। यही वीडियो को आप म्यूज़िक में डाउनलोड कर सकते हो MP3 में, और या फिर वीडियो के अंदर भी उसकी क्वालिटी के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मान लो 15 MB में चाहिए, 28 MB में चाहिए, 60 MB में चाहिए, उसके हिसाब से आप उसको इस पर क्लिक कर लो, उसके बाद से ये ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे देखो इस साइड, इधर ये डाउनलोड हो रहा है, ये रहा। अब इसको आप क्लिक करोगे तो इसको आप सिंपली प्ले कर सकते हो। इसको प्ले करने के लिए आपको दूसरी जो यहाँ पे क्लिक करो, आपको सीधा ये गैलरी में दिख जाएगी, आपके फाइल्स में दिख जाएगी डाउनलोड की हुई, ये रही डाउनलोड। ये अभी की वीडियो जस्ट डाउनलोड की हमने, है ना। इस अध्यात्म ज्ञान को समझने के